ये बिंदी लेके घूम रहा था, हम सोचे एक लगा देते हैं। क्रियांश अपनी दादी को दादी बोला, पता है आपको? तो फिर आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारा फैसला सही रहेगा वहाँ पर शिफ्ट होना। तो यह रही जी हमारी भाभी और इधर रही छोटा। पिछले बार तुम जो है कुछ तेलुगु वर्ड सब सिखाई थी, इस बार कुछ बताओ तेलुगु। हम लोग मस्त है। तो सभी लोग जी यहाँ पर हो गए हैं तैयार और सभी लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं। सामान भी अंदर चला गया है। तो सभी छोटा रोड़ी है कि दादी से अलग हो जाएगी अब ये। कोई बात नहीं, दादी आएगी विशाखापट्टनम। हम आएंगे। तो सभी लोग जी यहाँ पर कटिहार स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं जी रुद्र भाई के तो यहाँ से जी आ गए और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा परिवार आया हुआ है। आपको ध्यान होगा कि हम विशाखापट्टनम गए थे, जिन्होंने भी उस ब्लॉग को देखा होगा। तो विशाखापट्टनम में आपको भैया भाभी से मिलवाए थे और हमारी छोटी सी जो भतीजी है उसे भी आपको मिलवाया था। तो वो सभी आए हुए है। तो यह रही जी हमारी भाभी और इधर रही छोटा। तो छोटा भी आ गई है। छोटा पिछले बार तुम जो है कुछ तेलुगु वर्ड सब सिखाई थी, इस बार कुछ बताओ तेलुगु। कुछ बोल के बताओ। कैसे, क्या बताऊं? जैसे बताओ कि आप लोग कैसे हो। अच्छा, और हम लोग मस्त है। हम लोग मस्त है। अच्छा, हम लोग अच्छे हैं। मनु बाना उन्ना। अच्छा, मस्त और अच्छा सेम ही चीज है। चलो कोई बात नहीं। तो देखा जी यहाँ जो बहुत अच्छे से तेलुगु सीख चुकी है क्योंकि वहीं पर रह रही है पिछले कुछ सालों से। और भाभी जी भी फैमिली आ गई फिर से वीडियो में, लेकिन अभी जो आई है ठीक एक घंटे बाद निकल जाएंगे भाभी जी। भैया भाभी जो है कुछ देर में निकलेंगे और यहीं से जो है ट्रेन है उनका और सीधा विशाखापट्टनम निकलेंगे। तो छोड़ने भी जाना है। तो फिलहाल इन लोग का नहाना धोना सब हो गया है, कुछ देर में खाना पीना होगा और फिर निकलेंगे। तो सभी लोग जी यहाँ पर हो गए हैं तैयार और सभी लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं। सामान भी अंदर चला गया है। तो सभी को लेकर के चलते हैं, ट्रेन भी कुछ देर में आने वाली है। छोटा रोने लगी तो छोटा रो रही है कि दादी से अलग हो जाएगी अब ये। कोई बात नहीं, दादी आएगी विशाखापट्टनम। हम आएंगे। आ रही है दादी, सब लोग आएंगे और क्रियांश भी आ रहा है वहीं पर। क्रियांश के लिए आप, क्रियांश से मिला। ठीक है, लेते आते हैं। सो गया बाबू? सो गया है। हाँ ठीक है, जाओ बड़े में कपड़ा ले लेना। ठीक ठीक है, बड़े में या चाची आ रही है। तो जाने हो जी। हां चल कल के हम देव बहन का। नहीं नहीं जाएगी नहीं। अच्छी तो पढ़ेगी कैसे? पढ़ेगी कैसे? हम आप तो मूर्ख रहेगी। अभी तुम क्या बनेगी जल्दी बता दो सबको, वीडियो में बता दो। दीदी दादी से क्या आज कैसे? आप ही दीदी दादी। दीदी तो छोटा सा पद पर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। बड़ा बनेगी। बोलिए मैं आईपीएस ऑफिसर। हर माँ बाप का अरमान है कि मेरा बच्चा हमसे चार उम्र बड़ा। जब अच्छे से करोगी आओगी तब ना सोने का चश्मा। दादी चलेगी मेरे साथ? हाँ जाएगी। कार में बैठ के अभी? हाँ जाएंगे। अब चले जाइए ना, स्टेशन छोड़ दीजिए, गाड़ी जा ही रही है। चलो चलो ना, चलो जाओ। खुश रहो। क्रियांश बहुत मिस करेगा तुमको, है ना? हम सब में सबसे ज्यादा क्रियांश मिस करेगा इसको। ऑफिसर बन के आएगी अब, पढ़ लिख के बनेगी, छुट्टी में आएगी तो कितना इज्जत होगा। सोचो, हम सोच रहे हैं क्या जो की सुनो चाकर की इसके ना ये गाड़ी देंगे बहने बर्थडे में। अभी नहीं ना, जब तुम चलो देखते टिकट मिल जाएगा। तुम कोशिश तो देखती है, जाने के लिए तुम आई हो। अच्छा, हम करवा देंगे टिकट। चलो 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 ये टिकट करवा दे। आई नहीं है जाने के लिए, हम लोग रोते रहेंगे तुम कार में बैठे। कह रही थी क्रियांश को ना बहुत सारी लड़की मिल जाएगी, ये ऐसा दिखता है, कैसे कह रही थी ना अपने से। अब भैया थे मने वो तो इतना सम्मान है, वो तो ऐसा सुंदर है ना, इसको ऐसी लड़की मिल जाएगी। कल कल के कुछ बोल नहीं, कल कल के कुछ बोल नहीं पाता है ना, इसीलिए माथा पे। तो सभी लोग जी यहाँ पर कटिहार स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं जी हमारा यह कटिहार स्टेशन है, कितना अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर और यहाँ का नज़ारा जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कई लोग को देखते हैं यहाँ पर, कुछ कुछ पॉइंट है जहाँ पर फोटो लेते हैं लोग सब। तो फिलहाल जो है चल रहे हैं इधर और यहाँ पर जो है सारा सामान जल्दी से उतार लिया जाए। कौन सा बर्थ नंबर आपका? B1 है मेरा।
B1 किधर होगा? पूछ लेते हैं किसी कुली को, पता होगा यहाँ के बारे में। इधर आ गई है जी ट्रेन। सभी लोग चले गए और मेरा बेटा क्रियांश हो गया उठ गया। राजा जय कह दो। जय कान्हा जी जय। गिर जाएगा सुना। ये देखिए कैसे कर रहा है लड़का। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उतरे होगे खुद से? हे भगवान कितना चलाक हो गया ये लड़का। आ रही हूँ आ रही हूँ, रुक जा आ रही हूँ, रुक जा। मम्मा आ रही है? आ रही मम्मा, आई सुने आई। चलो क्रियांश को देख सकते हैं। क्रियांश लकी बन गया है, ये बिंदी लेके घूम रहा था, हम सोचे एक लगा देते हैं। ताली बजा रहा है, ताली। क्रियांशी हो गई है आज। क्रियांशी हो गई है ये बिंदी लगा के। जा बाय बाय क्रियांश, बाय। क्रियांश अपनी दादी को दादी बोला, पता है आपको? अच्छा बोला ना माँ। कभी कभी अनायास निकल जाता है, फिर भूल जाता है। माँ फ्रिज खोली थी ना, बोलता दादी। जैसे एक बार बोला था एम, उसके बाद आज तक बोला ही नहीं। बस बोला दादी। जैसे पहले जय जय बोलता था, दय दय जय जय, वो भी भूल गया। अब कुछ नया नया चीज सीखा हुआ है। बाबा इसके छुपा के भागे, बाबा को खाने नहीं दे रहा था। बोले बाबा का दिया हुआ इकलौता गिफ्ट है, गिफ्ट है मदरास का। आहा पुछी ने दादी को एगो बेटा आ गया, ओकरो जोड़ा लगा। पुछी पुछी ने दो सुनो ए लगा, पुछी ने दादी को पुता मत करो। सर को पीटता है, देखते कैमरा ऑन करते ही बंद कर दिया। सर पीटना छोड़ दिया ये। आहा छुपा लिया सर। ओए एक बड़े पापा भाग गए ना तुम्हारे? बड़े पापा चले गए ना, बुलाओ बड़े पापा को। बड़े पापा को देखते ही सर पीटता था ऐसे। ये भी चले गए एक बार विशाखापट्टनम। अच्छा एक बात आप लोग बताइएगा, हम लोग सोच रहे हैं क्रियांश की पढ़ाई के लिए हम लोग विशाखापट्टनम जाए। तो जो भी विशाखापट्टनम के आसपास होंगे तो बताइएगा कैसा रहेगा वह। सुना है कि वहाँ पर एजुकेशन उतना कॉस्टली नहीं है, कम पैसे में भी अच्छा एजुकेशन है वहाँ पर। हम लोग क्रियांश के लिए वहीं सोचे, वहीं शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल। और हमारी जो छोटा थी, जो आपने देखा होगा कुछ देर पहले वीडियो में, उसका जो हम लोग स्टैंडर्ड देखते हैं पढ़ाई लिखाई का, सच में जी काफी अच्छा लगता है। और जो स्कूल सबका जो फीस देखा हमने, बहुत डिसेंट सा ही था। और जिस तरह हम लोग के लिए मिडिल क्लास के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हाई एजुकेशन स्कूल में वो सब नहीं पढ़ा सकते, जो डीएल बात है। और उसके बाद जो है हम लोग चाहते हैं कि इसको एजुकेशन भी अच्छा मिले, अच्छा मिले। लेकिन यहाँ जो भी देखते हैं कि अच्छा स्कूल है जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हो पढ़ाई लिखाई के अलावा, तो बहुत ही ज्यादा फीस है इधर अपने नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूँ ये चीज। तो क्या हमारा डिसीजन सही रहेगा वहाँ शिफ्ट होने का, क्योंकि अभी काफी टाइम है तो सोच विचार रहे हैं। तो विशाखापट्टनम क्या, कोई भी जो साउथ की होंगे आप लोग बताइएगा, साउथ साइड का क्या ऐसा है जैसा हमारा थिंकिंग है कि डिसेंट प्राइस में एक अच्छा एजुकेशन वहाँ मिल जाएगा? तो फिर आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारा फैसला सही रहेगा वहाँ पर शिफ्ट होना। यहाँ देखिए हमारे बेटे को। क्रियांशी कान्हा जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाथ देख रहे हैं अपना। क्रियांश क्या करता है, इसको नीचे गिरा करके इसके ऊपर चढ़ जाता है और वहां से सारा सामान गिरा देता है और सारा सामान आजकल बेड के इधर फेंक देता है। यही काम है इसका, क्रियांशी का। क्रियांश आ गया अपनी गाड़ी पे जिसमें थोड़ी देर बैठता है बस। बाय क्रियांश, बाय।